नमस्कार, बॉलीबज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। करीना कपूर जी हां, अब विवादों में आ गई हैं। करीना कपूर आई हैं या फिर एक मूवी के मेकर्स आ गए हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही एक घोषणा हुई थी और अखबार में खबर आई थी कि सीता के किरदार के लिए करीना कपूर ने 12 करोड़ रुपए फीस मांगी है। और उसके बाद जो हुआ वो आज इस खबर में आपको हम बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम छिड़ गई। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोलर्स करीना का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं बायकॉट करीना खान। बायकॉट करीना खान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल करीना के बारे में एक खबर सामने आई थी कि उन्होंने सीता का रोल करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। उसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सीता के रोल में किसी दूसरे धर्म की एक्ट्रेस को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब धार्मिक भावनाओं के आधार पर किसी एक्टर को ट्रोल किया गया है। इससे पहले तांडव वेब सीरीज करने पर करीना के पति सैफ अली खान भी परेशानी में फंस गए थे। यहां तक कि तांडव वेब सीरीज की पूरी टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा था। और अब करीना कपूर खान सीता माता के किरदार को लेकर ट्रोल हो रही हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ट्वीट्स जिसमें करीना कपूर खान को लोग ट्रोल कर रहे हैं और करीना को सीता माता के रोल को प्ले करने से रोकने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये थे कुछ ऐसे ट्वीट्स जिसमें करीना कपूर खान को माता सीता के रोल में लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें बॉलीवुड वर्ल्ड को। नमस्कार।